हेलो फ्रेंड्स आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीज द एक्सट्राइज स्टिप इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी द शिफ्ट क्वेश्चंस पैटर्न ओके सो डियर फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे फिर से मैं ये बताना चाहूँगी कि टुडे इज ट्वेंटी एंड आई एम अपलोडिंग प्रीवियस डे वीडियो तो वट आई एम डूइंग इज कि माई द मोटिव इज नॉट टू जस्ट गिव यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आए थे आई एम जस्ट पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स और दट कि मैं ईच एंड एवरी वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँ सो लेट लेटेस स्टार्ट विथ आवर टू क्वेश्चन बिकॉज एट लास्ट आई हैव गिवन यू टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक मैंने चार्ट बनाकर दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए सो लेट लेटेस सी अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ डियर फ्रेंड्स तो आप जैसा क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है आप आपको वो समझना है और ट्वेंटी अपकमिंग एग्जामिनेशन तो जिनका भी एग्जाम ट्वेंटी सिक्स का मैं आज का तो नहीं बोलूंगी पर जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डे है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है कि आप क्रिटिकलीसिस कर सकते हो कि किस टॉपिक को आपको मोर वेटेज देना है और उसको रिवाइज करके जाना ही जाना है तो सी जैसा कि देखा गया जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें वो सिक्स टू सेवन क्वेश्चंस पूछ रहे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बट द प्रॉब्लम इसकी जो क्वेश्चंस के लेंथ हो रहे वो बहुत लंबे हैं एट आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको एक ही क्वेश्चन में सिक्स टू सेवन ऑप्शन गिवन होंगे आपको बहुत ध्यान से बहुत इतमान से क्वेश्चन को रीड करना है और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप इजिली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑल टीचिंग और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ईजी पूछते हैं पर फिर भी आपको बहुत इतमान से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड तो एज फॉर एग्जाम्पल देखिए जो इवेल्युएशन मैथड है उन्होंने पहले यह पूछा फॉर्मेटिव समेटिव में क्या डिफरेंस है उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा कि जो आपका क्राइटेरिया डिफरेंसड है एंड नॉर्म डिफरेंसड है उसमें क्या डिफरेंस है और ट्वेंटी फिफ्थ उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपका कंटिन्यूस इवेल्यूएशन सिस्टम पे जो सी सी ई होता है आपका तो इट मीन्स वॉट कि इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपका पॉजिटिविज्म पे वो एवरी टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इस टॉपिक को स्किप करके नहीं जा सकते हैं आपको यह देखना पड़ेगा कि आइडियलिज्म नेचुरलिज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म कौन कौन से ऐसे सपोज प्लेटो किस कैटेगरी में आएंगे अरिस्टोटल किस कैटेगरी में आएंगे तो आप इसका एक चार्ट मैं भी बना दूंगी और लास्ट टाइम पे मैंने बनाया था तो आप उस चार्ट को जरूर देख के जाए ओके सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च एप्टीट्यूड तो रिसर्च एप्टीट्यूड में फिर से मैंने यहाँ पर रेड को हाईलाइट किया इट मीन्स की थे and ethics it's a very important topic we say क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंटिन्यूस पूछ रहे हैं एंड फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अब ये देखा गया है कि ट्वेंटी फिफ्थ को उन्होंने हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा है तो इससे आपको ये समझना दिया फ्रेंड्स कि अगर उन्होंने एक डे में स्टेप पूछा रिसर्च का स्टेप पूछा उन्होंने ट्वेंटी फोर्थ को और फिर उन्होंने ट्वेंटी फिफ्थ को स्टेप्स में से वो टॉपिक्स उठा रहे हैं मतलब सैम्पलिंग रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है डिजाइनिंग क्या होता है इथिक्स क्या होता है दिस ऑल टर्म्स कंप्राइजेस अंडर वॉट रिसर्च स्टेप्स तो रिसर्च स्टेप आपको बहुत अच्छे से करके जाना है

अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसको अप्लाई कर रहे हैं एंड वो कि जिनको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरा एग्जाम आफ्टर वन मंथ है तो मैं आफ्टर फिफ्टीन डेज बाद तैयारी शुरू करूंगा तो यू आर नोइंग एवरीथिंग बट यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज सो दिस इज वो पैसिव लिसनर ठीक है वो प्रेजेंट तो है फिजिकली बट वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है इसमें ही आपका क्रिटिकल लिसनर भी आता है कई सारे लिसनर के कैटेगरीज है तो आप उसको जरूर देखें एक बार Now आई सी टी तो बींग कंप्यूटर साइंस अस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ईजी हो जाता है ठीक है क्योंकि उसमें क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो फुल फॉर्म पर पूछ रहे हैं इस so, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आई ओ टी पूछ लिया ट्वेंटी सिक्स को एंड uh, देन फिर आप वो आईएसपी पूछ रहे तो आईएसपी एस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो ऐसा मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगर वो आपसे आईओटी पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एंड बिग डेटा के बारे में ज़रूर पढ़ के जाए एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि दोज लर्नर्स जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर अपलोडिंग वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस एस्पेक्ट्स एंड जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं पेपर वन का ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा एन टी ए यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए ओके नाउ हायर एजुकेशन तो हायर एजुकेशन से फिर से देखा गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स कि वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इतना इम्फोसिस क्यों कर रहे हैं बिकॉज जो टारगेट है टू से लेकर टू तक का अब टू ट्वेंटी चल रहा है तो एक्चुअली दे आर कम वो कंपेयर कर रहे हैं कि आपका जो मिलेट डेवलपमेंट गोल था 2000 से लेकर 2015 तक तो अब पाँच सालों में क्या क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है इसलिए से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड रूसा से क्वेश्चन पूछा गया था एंड कोविड 19 के जो भी अपडेट्स हुए हैं इससे रिसेंट में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग में इट मीन्स कि हायर एजुकेशन को पढ़ने के लिए आपको जो भी डिजिटल इनिशिएटिव है आई से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं एक गूगल करिए और गूगल में आप ऐसा टाइप करो रिसेंट एंड करेंट अपडेट्स रिगार्डिंग हायर एजुकेशन और उसको एक बार रीड जरूर करें ओके सो दिस वॉज माई सजेशन न लॉजिक इंडियन लॉज से फिर देखा गया है फ़ोर टू फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करें बिकॉज इतना टफ भी नहीं है जितना आप समझते हो एंड ऐट द एंड ऑफ द वीडियो ऐसा देखा गया है कि स्कूल ऑफ थाट्स में वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो टू द पॉइंट है स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा तो मैंने आज के वीडियो में ये इंक्लूड किया है कि कौन से स्कूल ऑफ थाट्स में इतने आपके परमानास इंक्लूड होते हैं ना पीपल डेवलपमेंट एंड एन्वायॉर्मेंट तो इसके लिए बर्निंग टॉपिक है उनका कार्बन एमिशन ठीक है क्यों क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अभी इन्वायरमेंट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कार्बन ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कार्बन मीथेन जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड से इनका परसेंटेज क्या है इस पर वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ओजोन से रिलेटेड जैसा मैंने लिखा यहाँ पर ओजन से रिलेटेड और आपका कार्बन अमिशन जरूर देखना चाहिए एग्जाम्पल so, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है तो इसका अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो नेचुरली एलेवन परसेंट हम उसको एक्स्ट्रा ये सॉरी मैनमेड की वजह से सिक्सटी फाइव परसेंट कार्बन को हम इमिट कर रहे हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एलेवन परसेंट हो रहा है तो इसका एक चार्ट है जो आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया अपने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को इमिट कर रहा है तो जो आपका बी एस सिक्स आया है जिसकी वजह से आपके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हैवी व्हीकल्स हैं ठीक है थीके? उनको अपने आ, जो पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं उनके कंजम्पन्स को कम करना है तो दिस आर द रिसेंट टॉपिक्स इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि सपोज मीथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है तो इनका परसिस्टेंस लेवल क्या है परसिस्टेंस मीन्स वॉट कि वो इन्वायमेंट में कितने देर तक सस्टेन कर रहे हैं तो आई विल गिव आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो तो आप उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें टिल देन ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें मैंने ये बताया कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं नौ लॉजिकल रीजनिंग हमने ऑलरेडी देखा है फिलासफी स्कूल ऑफ थाट्स एंड फिलासफी फ़िलासफी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बताया गया है कि जो आज के ट्रेंड है जिसमें आपको आर्ट साइंस कल्चर ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इसी सब बातों को ध्यान में रखे वो फिलॉसफी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो दैट कि आप फ्यूचर के प्रोफेसर बनने वाले हो आप, आपका आप बच्चों को नर्चर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना इंडियन कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए ओके और कुछ क्वेश्चंस देखा गया श्रुति स्मृति इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कॉन्ट्ररी तो जो आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है ये तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईच एंड एवरी शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस शिफ्ट में उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्सियल एफर्मेटिव क्या है तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो ए आई ओ का हमारा सीक्वेंस होता है करेक्ट इसमें आपका ए और ई e, क्या होगा वो यूनिवर्सल होता है और अफर्मेटिव होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये आपको मालूम होना चाहिए तो पार्शियल अफर्मेटिव क्या होगा तो सम होगा तो अब हमें मालूम है कि जो सम होता है सम एक पॉजिटिव है ठीक है तो पॉजिटिव मीन्स उसको हम अफर्मेटिव बोलेंगे एंड पार्शियल मीन्स वर्ट क्या क्योंकि ये फिफ्टी परसेंट है हंड्रेड परसेंट कौन सा होता है आपका ए होता है ऑल होता है तो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को मैं कवर अप कर दूंगी ठीक है और मैथमेटिकल रीजनिंग तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि जो भी लर्नर्स का एग्जाम बहुत लेट है डियर फ्रेंड्स आप जरूर प्रैक्टिस करें बिकॉज इसमें आपके सॉलिड फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है इट मीस कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्शन भी आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए क्यों क्योंकि ये आपका डी में हेल्पफुल हो जाएगा एंड फिर ये देखा गया कि वो बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो ट्वेंटी फोर्थ के थे एंड ट्वेंटी फिफ्थ में जो वो क्वेश्चन पूछ रहे देखिए कंपाउंड रजिस्टर स्पीड डिकोडिंग इनकोडिंग डायरेक्शन एंड रेशियो के क्वेश्चन आया है तो दिस आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वो एवरी टाइम इस पर क्वेश्चन पूछते ही हैं तो आपको इन सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और मैंने यहाँ पे इस सीरीज को बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था सी इस तरीके सिंपल से सिंपल सीरीज था तो आप क्या करोगे बेस्ट मेथड है कि आप ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करिए तो अगर मैं टू टेन का देखूंगी तो डिफरेंस क्या होगा एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी फोर फिर इसका ट्री स्ट्रक्चर लूंगी तो एट 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 हो जाएगा तो नेक्स्ट सीरीज में क्या आ जाएगा एट्टी टू नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने यहाँ पे दो सीरीज ट्वेंटी फिफ्थ का भी इंक्लूड किया ट्वेंटी फिफ्थ में इन्होंने सी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ये सीरीज गीवेंट था और ये सीरीज गीवेंट था तो आपको कहीं ना कहीं सोचना है कि बढ़ रहा है इस कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है दोनों में अगर आप सपोज डिक्रीजिंग होता तो आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट को लगा सकते थे तो आप ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ तो यहाँ पे बेसिकली मैं समराइज़ कर दूँ आपको डियर फ्रेंड्स कि डी फिर से मॉडरेट था और आरसी भी आपके मॉडरेट है तो अब आने वाले समय में जिनका भी एग्जाम होने वाला है कल या डे आफ्टर टुमारो या फिर भी कमिंग डेज में होने वाला उनको क्या करना है उनको मैचिंग के क्वेश्चन के लिए पेपर होना है तो मैचिंग के क्वेश्चन इट मीन्स कि काफ़ी सारे ऑप्शनस रहेंगे आप उसमें सब कुछ तो नहीं पढ़ के जा सकते पर आप जो पढ़ो उसको एक्यूरेट पढ़ के जाओ सो दैट कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग में एक दो क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप उसमें सॉलिड अटेम्प्ट करके आ सको असेशन एंड रीजन तो असेशन और रीजन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप असेशन को भी पढ़ें रीजन को भी पढ़ें और ये कोशिश करने की कोशिश करें कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है बिकॉज आपको आता तो सब कुछ है पर क्या आपने 150 फिफ्टी मिनट्स में सब क्वेश्चन सॉरी वन एट्टी मिनट्स में क्या आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिसिंग आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ठीक है कि आप ईजिली और करेक्ट वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड आपको फोकस किस पे करना मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली का डीआई लगाइए आरसी लगाइए एंड मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आरसी देखा गया है कि वो मॉडरेट आ रहा है एंड वो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी है अपना जो भी करंट ट्रेंड है कोविड का ट्रेंड चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन पूछे तो कहीं ना कहीं आप न्यूज़ भी देखें न्यूज़पेपर भी देखें और उससे कुछ मीनिंग कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें ओके okay? सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्वेंटी फोर्थ एंड ट्वेंटी फिफ्थ एनालिसिस नाउ क्विकली मूव टू द इंडियन फिलोसफी जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में बताऊँगी तो डियर फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डैट इज़ कम्बाइन सी इज ग्रुप डिस्कशन जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैं वहाँ पर इस पी डी एफ को शेयर कर दूंगी सी आपको इसमें यह लर्न करना है कि हमारे पास बेसिकली इंडियन फिलोसफी में दो तरीके के स्कूल होते हैं वन इज आस्तिक और अनदर इज नास्तिक तो नाम से ये क्लियर है आस्तिक मिस वर्क जो भगवान पे बिलीव करते हैं नास्तिक मतलब जिनको भगवान पे बिलीव नहीं होता वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और वो प्रत्यक्ष तरीके से देखते हैं कि ओके इसमें कुछ रीजन है या इसके पीछे रीजन नहीं है तो जो आस्तिक स्कूल के होते हैं उनको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं एंड जो नास्तिक स्कूल को बिलोंग करते हैं उनको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं ठीक है ठीके? तो आपके सिलेबस में ये मैंशन है तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम नास्तिक स्कूल पढ़ के जाए तो अरे भाई ट्वेंटी एंड ट्वेंटी दोनों में आप देखो बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कैसे नहीं पढ़ के जाओगे ठीक है तो पढ़ के आपको दोनों जाना

आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नया स्कूल में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं तो फोर आते हैं इस फोर का मतलब फोर आते हैं और मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया परसेप्शन इन्फ्लुन्स उपमाना एंड शब्दा अगर आपसे वो पूछते मीमांसा में कितने स्कूल्स आते हैं तो छः का छः आता है वेजांता भी सारे सिक्स को इंक्लूड करता है जो आपका सामाख्या और योगा है वो तीन को इंक्लूड करता है एंड जो आपका वैशिका है वो टू स्कूल्स ऑफ थाट के प्रोसेस को मानता है सिमिलरली अगर मैं अनऑर्थोडॉक्स की बात करूँ तो बुद्धिज़्म से क्वेश्चन पूछा गया तो बुद्धिज़्म भी आपके दो स्कूल्स के थॉट्स को मानते हैं एंड जैनिज्म भी आपके थ्री स्कूल्स को मानते हैं इट मीन्स कि ये आपका चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इस चार्ट का स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए एंड आप इसको लिख लो एक जगह और एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाए ओके टू थ्री हर आरकी में याद करना है हर आरकी में आप कैसे याद कर सकते हो कि जैसे अगर न्याय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो न्याय को आप एवरेज बना लो ठीक है आउट ऑफ सिक्स वो चार को फॉलो करता है। और नया एक ऐसा स्कूल है, है।, है।, है, है? तो है, है सिर्फ एक को बिलोंग करता है और आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म दो और तीन को बिलोंग करता है तो इस तरीके से आप इजिली इसको लर्न कर सकते हो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी ट्वेंटी फिफ्थ को पूछा गया है

नेक्स्ट थिंग इज कि अब नल हाइपोथेसिस को हम टाइप वन एरर भी बोलते हैं एंड अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं तो यहाँ पे आपके मैचिंग के क्वेश्चन आए थे कि टाइप वन एरर को हम क्या बोलते हैं ठीक है तो नल हाइपोथेसिस बोलते हैं देन फॉल्स पॉजिटिव एरर ऑफ फर्स्ट काइंड एरर ऑफ एग्जिटिव क्रेडिबलिटी एंड राइट था पर हमने रिजेक्ट कर दिया एंड रिसर्चर इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करता है ठीक है तो इट मीन्स वाट कि आप अगर एक चार्ट को याद करेंगे तो आपको इजिली ये चार्ट याद हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए टाइप वन एरर इंपॉर्टेंट हो तो ये आपका क्या हो जाएगा टाइप टू एरर ये अगर अल्फा एरर है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा बीटा एरर हो जाएगा एरर ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं इसको एरर ऑफ सेकेंड काइंड बोलते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं स्टार मार्क करूँगी एरर ऑफ एक्सेसिव क्रेडिटी बोलते हैं हम किसको नल हाइपोथेसिस को एंड एक्सेसिव एक्सपेक्टिजम किसे बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को तो आपको ये चार्ट मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बना के दिया है आप इसको ज़रूर कहीं पे नोट मेकिंग करें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड क्वेश्चन और इस तरीके से बन सकते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दिखता है टेंटिएटिव स्टेटमेंट तो टेंटिएटिव स्टेटमेंट क्या होता है हाइपोथेसिस क्यों हम हाइपोथेसिस को टेंटिएटिव स्टेटमेंट बोलते हैं क्यों क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग व्हाट एवर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि वो आइदर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा तो इट मीन्स कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड एज पर सिचुएशन यू आर डिसाइडिंग और सम कंक्लूजन हेस टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका हाइपोथिस नाउ इन एनी क्वेश्चन अगर आपसे ये ये पूछते हैं कि फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन सी तो रिसर्च एक्चुअली अगर रिसर्च की बात किया जाए तो पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड ना आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे ही बेस्ड है फिर अगर सैम्पलिंग की बात करूँ तो सैम्पलिंग आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मालूम होना चाहिए एंड जो आपका हाइपोथेसिस है कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस स्टेप में हम बनाते हैं तो वो आपका स्टेप टू होता है पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो फिर रिसर्च बनाते हो ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज इन्फॉर्मेशन तो अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आई विल जस्ट शेयर दिस पी डी एफ ओवर देयर कि आप इजिली आपके पास एक होना चाहिए रिपोर्ट कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन सारे सो so दैट कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन जिनका भी है वो बेटर परफॉर्म कर सके एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो डैट आई विल केम टू नो कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा एंड वॉट एवर इफ यू फील आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि वॉट एवर वीडियो आई एम अपलोडिंग उसका आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले और आपके एग्जामिनेशन का जो भी प्रिपरेशन है वो और अच्छे से आप कर सको सो विद दिस वर्ड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू